आज दोनों नेता आग में घी डालने का काम किया। आप लोग के 5 सांसद हैं, आपने सदन में क्यों नहीं उठाया इस मामला को अभी तक? जनता को दोनों ये भ्रमित कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। आरक्षण को लेकर जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने हैं, दोनों दलित नेता, दोनों कैबिनेट में मंत्री, दोनों मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। अब इस पूरे मामले पर रामविलास पासवान का परिवार बीच में आ गया है, यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में रामविलास का परिवार आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कौन, तो ये चिराग पासवान के जीजाजी हैं, साधु पासवान। और क्या कुछ कह रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान को लेकर, मांझी को लेकर, सुनिए। देखिए, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन माननीय न्यायालय में जो SC ST का जिस तरह उनका अध्यादेश जारी हुआ है और NDA के जो नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू पिटीशन में डालूंगा, लेकिन NDA में जो दलित दो नेता हैं, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक तरफ बयान आता है जितना मांझी जी का कि चिराग पासवान स्वार्थी हैं, दूसरा बयान आता है जितना मांझी जी का कि जो न्यायालय ने जो फैसला लिया है वो 10 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 2 साल पहले आपने कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, और आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने कहा था कि मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूँगा। दोनों नेताओं का एक जैसा बयान था, एक उस समय विरोध में थे, एक समर्थन में थे। आज दोनों नेता आग में घी डालने का काम किया। आज जीतनराम मांझी जी बताएं, एक तरफ बोलते हैं कि मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं, दूसरी तरफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं रिव्यू के लिए। ये भाई, आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप लोग के 5 सांसद हैं, आपने सदन में क्यों नहीं उठाया इस मामला को अभी तक? कोर्ट क्या कहे, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप हनुमान हैं नरेंद्र मोदी जी का, आप तो कम से कम सदन में मामला उठनी चाहिए। अभी हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो यहाँ तक मैटर है, अभी तक छुआछूत अभी हमारा अभी है, हम लोग बराबरी में अभी नहीं आए हैं। सबसे पहले जातीय जनगणना तो करवा के देख लो राष्ट्रीय देश स्तर पर, तब तो पता चलेगा कि किस जाति का कितना वो ये है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, वही तो अब तो चिराग जी जवाब देंगे, जीतनराम मांझी जवाब दें कि BJP के लोग क्यों नहीं जाती है जनगणना। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या 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 परिस्थिति के नहीं करवाना चाह रहे हैं? ये लोग से पूछिए तो पहले कि अभी हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण अभी लंबित है, हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी लंबित है। ये जनता को ये दोनों धीम हाँ जनता को दोनों ये धीम भ्रमित कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मैं तो दोनों नेता से मैं पूछना चाहता हूँ आदरपूर्वक कि एक तरफ आप कहते हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी कहते हैं मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। अरे, यही दोनों को बातों को लेकर संज्ञान लिया गया। अब तो ये बहुजन से बहुजन को स्पष्ट करे ना, बहुजन को जवाब दे
कि क्यों बयान इन्होंने दिया, क्या चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन रहे, क्या जीताराम मांझी नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन रहे, ताज मिर्ची दोनों को क्यों लग रही है। तो सुना आपने साधु पासवान को क्या कुछ कह रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर दोनों को इन्होंने घेरा है, दोनों पर निशाना साधा है क्योंकि दोनों ही कैबिनेट में मंत्री हैं। तो अब देखिए आने वाले वक्त में और क्या होता है, इनके बातों का जवाब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ से क्या आता है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।